वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज 31 दिसंबर और 31 दिसंबर की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर टेलीग्राम चैनल की लिंक से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है जनरल बिपिन रावत, ऑप्शन ए सही होगा। तो भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS चुना गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक 4-स्टार जनरल पद होगा जो कि रक्षा मंत्री का प्रमुख सैन्य सलाहकार होगा और सैन्य मामलों के नए विभाग का मुखिया होगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रशिक्षण, रसद और तीनों सेनाओं की खरीद में संयुक्तता सुनिश्चित करेगा। जनरल रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद संभालने वाले पहले अधिकारी होंगे, ठीक है। और रक्षा मंत्रालय ने एक नया क्लॉज लाकर थल सेना, वायुसेना, नौसेना के नियमों में भी संशोधन कर दिया है जो CDS को अधिकतम 65 वर्ष तक की सेवा करने की अनुमति देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में विजडन T20 की दशक की सर्वश्रेष्ठ टीम में किन भारतीय क्रिकेटरों को चुना गया है? तो इसका आंसर होगा विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन सी सही होगा, उपरोक्त दोनों। तो भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को दशक की सर्वश्रेष्ठ विजडन T20 इंटरनेशनल टीम में शामिल किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के सीमित ओवरों के कप्तान आरन फिंच को दशक की सर्वश्रेष्ठ विजडन T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम का कप्तान बनाया गया है। दशक की सर्वश्रेष्ठ विजडन T20 इंटरनेशनल जो टीम है उसके कप्तान है एरन फिंच, कॉलिन मुर्रो इसके खिलाड़ी हैं, विराट कोहली हैं, सैन वॉटसन, ग्लेन मैक्सवेल, जॉन जॉस बटलर, मोहम्मद नबी, डेविड वासी, राशिद खान, जसप्रीत बुमराह और लसित मलिंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में ऑक्शन मंच ई बेकरी किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, ऑप्शन ए सही होगा। तो वित्त मंत्री ने ई ऑक्शन मंच ई बेकरी लॉन्च किया है। ये मंच बैंकों द्वारा कुर्क की गई परिसंपत्तियों की ऑनलाइन नीलामी करने में सक्षम होगा। मंच सभी PSB की ई नीलामी संपत्ति की जानकारी, संपत्ति को खोजने जैसी सुविधाओं के लिंक प्रदान करेगा। इस मंच पर ई नीलामी के जरिए रखी गई संपत्तियों की जानकारी और सामान्य संपत्तियों की तुलना के साथ वीडियो और तस्वीरों को अपलोड किया जाएगा। भारतीय बैंकों में गिरवी रखी गई संपत्तियों की जानकारी पोर्टल वित्तीय सेवा विभाग की नीति के तहत भारतीय बैंक संघ की एक पहल है, ठीक है। बात करें वित्त मंत्री कौन है, तो वह है निर्मला सीतारमण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में CRPF के नए मुख्यालय का शिलान्यास किया है? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली, ऑप्शन बी सही होगा। तो केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए मुख्यालय की आधारशिला रखी है। 280 करोड़ रुपये की लागत से बनाए गए नए भवन में सभी आधुनिक और हरित सुविधाएँ होंगी, जिसमें बलों को मजबूत बनाने के लिए आधुनिक प्रशिक्षण मॉड्यूल के साथ 3.5 लाख प्रभारी संचालन और कमांड सिस्टम भी लगे होंगे जो CRPF की ऑपरेशनल क्षमता को बढ़ाएगा। इसके अलावा गृहमंत्री ने आम नागरिक और VIP को सुरक्षा प्रदान करने वाले के लिए एक नया लोगो गरुड़ को भी लॉन्च किया है। CRPF की बात करें तो इसके महानिदेशक हैं राजीव राय भटनागर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में सबसे ज़्यादा समय तक स्पेस स्टेशन में रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो इसका आंसर होगा क्रिस्टीना कोच, ऑप्शन ए सही होगा। तो नासा की अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच ने किसी भी महिला द्वारा अंतरिक्ष स्टेशन में सबसे लंबे समय तक समय बिताने का नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने अंतरिक्ष में 288 दिनों के इससे पहले के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है जो कि पहले नासा की अंतरिक्ष यात्री पैगी विटसन द्वारा 2017 में बनाया गया था, ठीक है। वो फरवरी 2020 में तय समय के अनुसार पृथ्वी पर वापस आएंगी, तब तक उन्हें उनके अंतरिक्ष में 300 से अधिक दिन हो जाएंगे, ठीक है। वो 14 मार्च 2019 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंची थी। किसी भी अंतरिक्ष यात्री द्वारा सबसे लंबे समय तक मिशन के लिए अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड कॉस्मोनॉट वैलेरी के नाम है, जिन्होंने जनवरी 1994 से मार्च 1995 तक 438 दिन तक उन्होंने बिताए थे, ठीक है। नासा के मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय Washington DC में और इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में वर्ल्ड विमेंस रैपिड चेस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा कोनेरू हम्पी, ऑप्शन बी सही होगा। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने रूस की मास्को में चल रही वर्ल्ड विमेन रैपिड चेस चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है
उन्होंने चीन की लेई टिजंगजी को टाई ब्रेकर में हराकर ये खिताब जीता है। 12वें दौर के बाद हम्पी और टिगंजी ने 9-9 अंक थे, इसलिए आर्मेगेडोन गेम से विजेता का फैसला हुआ है। चीन की लेई टिजंगजी को रजत पदक जबकि तुर्की की खिलाड़ी को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। ठीक है, और इसके साथ ही हाल ही में मौजूदा प्रारूप में रैपिड खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय बन गई हैं। इससे पहले विश्वनाथन आनंद ने 2017 में अपने ओपन वर्ग में ये खिताब जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हेमंत सोरेन झारखंड के किस क्रम के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं 11वें, ऑप्शन बी सही होगा। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरंग ने झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, और झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने सोरेन को वरिष्ठ राजनयिक नेताओं और अन्य राज्य के मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में जीएमएम के 44 भारतीय नेता का यह दूसरा कार्यकाल होगा। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में जीएमएम, कांग्रेस और भारतीय जनता दल की गठबंधन प्रदेश में पर भाजपा को रखकर 81 सदस्यीय सदन में 47 सीटें जीती हैं। झारखंड की बात करें तो इसका गठन 15 नवंबर सन 2000 को हुआ था, और साथ ही साथ बाबूलाल मंडारी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे और रांची इसकी राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में बीसीसीआई ने सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो ये किया है कृष्णामाचारी श्रीकांत यानी कि के श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा को, ऑप्शन सी सही होगा। तो भारत के पूर्व कप्तान और 1983 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य के श्रीकांत बीसीसीआई द्वारा दिए गए प्रतिष्ठित सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट 2019 के प्राप्तकर्ता होंगे। भारत की पूर्व महिला कप्तान अंजुम चोपड़ा वर्ष 2019 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की सह प्राप्तकर्ता है। बीसीसीआई वार्षिक पुरस्कार समारोह 12 जनवरी 2020 को मुंबई में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो इसका आंसर है 2026 तक। तो वर्ष 2026 तक भारत जर्मनी को पीछे करके विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ब्रिटेन में स्थित सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2034 तक जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। रिपोर्ट का शीर्षक है वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2020। भारत 2019 में ही फ्रांस और ब्रिटेन से आगे निकलकर विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मर्चेंट डिस्काउंट रेट MRD शुल्क कब से लागू नहीं होगा? तो इसका आंसर होगा 1 जनवरी 2020, ऑप्शन ए सही होगा। तो 1 जनवरी 2020 से शुरू होने वाले स्वदेशी रुपए और UPI प्लेटफॉर्मों के माध्यम से लेन देन पर कोई मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू नहीं होगा, और निर्मला सीतारमण ने हाल ही में नई दिल्ली में इसकी घोषणा की है। MDR एक व्यापारी द्वारा बैंक को डिजिटल माध्यम से अपने ग्राहकों के भुगतान स्वीकार करने के लिए एक दी जाने वाली लागत है। तो ये रही आज की वीडियो के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि आपने स्टडी किए। आगे देखते हैं कल के कुछ का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहले जनता क्लिनिक का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन बी सही होगा। और आज के कुछ का सवाल है आपके सामने, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रणाम से सम्मानित किया गया है? यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी कानपुर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में जाइए और इसका आंसर अवश्य दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।